हेलो दोस्तों, मैं हूं गुलफान सर। एजुकेशन पॉइंट कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। और आज की सबसे बड़ी खबर है कि कल 26 मई दोपहर 12 बजे के बाद कभी भी रिजल्ट घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। तो सबसे पहले आपने देखा कि बहुत दिनों से बेसब्री से क्लास 10 के स्टूडेंट, 15 लाख स्टूडेंट कितने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब रिजल्ट ख़त्म हो, कब रिजल्ट हमें प्राप्त हो। लेकिन ये आजकल तारीख पर तारीख हमें प्राप्त हो रहे हैं और रिजल्ट हमें देखने को प्राप्त नहीं मिल रहा है। लेकिन आज कुछ न्यूज़ सूत्रों के मुताबिक आज कुछ पता चला है, दैनिक जागरण के माध्यम से पता चला है कि कल 26 मई को दोपहर 12 बजे के बाद श्री आनंद कुमार जो अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्षता में इस मैट्रिक के रिजल्ट को दोपहर 12 बजे के बाद इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। कंफर्म बतलाया जा रहा है कि कल दिनांक 26 मई दोपहर 12 बजे के बाद मैट्रिक का रिजल्ट आप आसानी से चेक कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आप किसी भी क्लास 10 के बच्चों का रिजल्ट, आप स्टूडेंट छात्र छात्राओं का रिजल्ट आप कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपके पास वेबसाइट होना चाहिए। तो वेबसाइट पर क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्लास 10 के रिजल्ट को आप कैसे चेक करना है। तो चेक करने से पहले सबसे पहले आप अपना गूगल को ब्राउज़र जैसे ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार में आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च और टाइप एड्रेस। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है indiaresult.com। जैसे आप indiaresult.com आप लिखिएगा तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक फर्स्ट पेज आपको दिखाई दे रहा है कि indiaresult.com यानी indiaresult.com दिखाई दे रहा है। इस indiaresult पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करिएगा तो उसके बाद एक छोटा सा फाइल आपके पास ओपन नज़र हुआ दिखाई देगा और इसमें कह रहा है सेलेक्ट स्टेट यानी अपने राज्य को स्टेट सेलेक्ट करना है। तो मेरा राज्य, चलिए मेरा राज्य इसमें कौन सा है, बिहार है। तो सबसे पहले मैं बिहार पर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। तो बिहार पर जैसे आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने ऐसा एक टॉपअप नज़र दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट हेडिंग पर लिखा हुआ है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। इस पर क्या करना है, आपको लॉन्ग प्रेस कर देना है, प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करिएगा तो आपके सामने यहाँ पर कुछ फाइल आपको नज़र दिखाई देगा। तो देखा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लास 10th मैट्रिक रिजल्ट 2020। तो इसके साइड में जो होगा, इस जब रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा तो यहाँ पर लिखेगा रेड कलर में नाउ अवेलेबल, जिस तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये इंटर का रिजल्ट है और जब मैट्रिक का रिजल्ट जब आएगा तो यहाँ पर मैट्रिक का रिजल्ट जब ये आएगा, यहाँ मैट्रिक का रिजल्ट आएगा और उसके बाद यहाँ पर रेड कलर में इसके साइड में आपको क्या करेगा, यहाँ पर रेड कलर में आपको लिखेगा नाउ अवेलेबल। जैसे नाउ अवेलेबल पर आपको दिखाई देगा वहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर, रोल कोड भरकर आप आसानी से किसी भी छात्र छात्राओं का रिजल्ट आप आसानी से देखकर प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा है, रेड कलर में आपको नाउ अवेलेबल आपको शो नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अभी रेड रिजल्ट जो हुआ है वो घोषित नहीं हुआ है। कल 26 मई दोपहर 12 बजे के बाद आशंका जताई जा रही है, न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है कि कल रिजल्ट आने की संभावना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल मैं बतलाने की प्रयास कर रहा हूँ कि इंटर का रिजल्ट अभी तक घोषित हो चुका है। जैसे घोषित होगा ऐसे ही सेम प्रोसेस आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है, रिजल्ट नहीं है, इसके साइड में नाउ अवेलेबल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि रेड कलर का यहाँ पर नाउ अवेलेबल दिखाई दे रहा है। जैसे नाउ अवेलेबल दिखाई देगा, इस नाउ अवेलेबल पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक यहाँ पर करते हैं तो कुछ फाइल यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है रोल कोड, रोल नंबर, इंटर रोल नंबर और इंटर नेम। तो चलिए मैं एक किसी एग्जाम्पल के तौर पर मैं किसी स्टूडेंट का रिजल्ट चेक कर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कर रहा है रोल कोड, चलिए मैं रोल कोड किसी का एक मैं किसी छात्र छात्राओं का रोल कोड में भरकर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। सेम प्रोसेस आपको क्लास 10th को ही ऐसा करना है। कब करना है, जब खुलने के बाद जब रेड कलर में लिखेगा नाउ अवेलेबल। तो सबसे पहले अब चलिए मैं रोल कोड भरता हूँ। तो मेरा रोल नंबर, रोल कोड इतना है,
मैंने रोल कोड भर दिया, उसके बाद इंटर रोल नंबर कर रहा है, रोल नंबर चलिए मैं भर देता हूँ, रोल नंबर मैंने भर दिया। रोल नंबर भरने के बाद उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पूछ रहा है इंटर नेम, चलिए इंटर नाम मैं डालता हूँ, इंटर नेम जो मैं डाल रहा हूँ, इंटर नेम में कह रहा है सुजीत कुमार, सुजीत कुमार, सुजीत कुमार, और उसके बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे आप ओके करिएगा तो आपके सामने ऐसा आपको टॉपअप दिखाई देगा। तो जैसे आपको ऐसा दिखाई देगा तो आपको क्या करना है, जैसे आपको ऐसा टॉपअप दिखाई देगा तो आप आपका अगर रिजल्ट जो होगा, मान लेते हैं आपका कोई भी नाम होगा, जैसे मैंने सुजीत कुमार का चेक किया तो सुजीत कुमार के नाम से इतने सारे आप स्टूडेंट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो बाय द वे मैं इस सुजीत कुमार के ये फर्स्ट वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट चेक करना चाहता हूँ, तो इसको चेक करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर गेट जो लिखा हुआ है इस गेट पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे गेट पर आप क्लिक करिएगा तो आपने देखा लिखा हुआ है नेम सुजीत कुमार, फादर नेम सुनील कुमार सिंह, रोल कोड इतना है, ये संकाय जो फैक्सिलिटी है वो साइंस है, और आपने देखा कि इसका जो जो रिजल्ट जो है डिवीजन जो बता मार्क्स जो बतला रहा है, आप देख रहे हैं फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर कितना बता रहा है, फर्स्ट डिवीजन शो कर रहा है 329। तो आप इस ऐसे ही आपको क्या करना है, आप इसी के माध्यम से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को आप रिजल्ट आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कब जहाँ पर जैसे रिजल्ट घोषित होगा तो यहाँ पर लिखेगा नाउ अवेलेबल, उसी नाउ अवेलेबल पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करिएगा तो उसके बाद ओपन कुछ फाइल ओपन होगा, और ओपन होने के बाद लिखेगा रोल नंबर रोल कोड आपको भर देना है, और भर कर ओके करिएगा तो आपका रिजल्ट आपके सामने दिखाई देगा। अगर ये वीडियो सही आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें।